गया मेरा दूसरी दफा वोट डाला है, दूसरी दफा ठीक है ना, अभी मेरा दूसरी दफा जाना है। पहली दफा जो मैंने वोट पहली नून लीग को डाले, दूसरा किसको डालना है अभी? दूसरा ना डिसाइड करूंगा कि जो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बात सुने अगर ना ये भाई बहुत बातें कर रहा है भाई जान, मैं अब वोट मरियम नवाज हो तो मरियम नवाज तो हमारी कोई पांच काम नवाज शरीफ इमरान खान के ऐसे बता दें, और कोई पांच काम आप अपने लीडर के अच्छे के तो बता दें। आप पहले इमरान खान पूछ लेते हैं, इमरान खान के पहले ये बता दें। मैं पूछ रहा ना, उनकी बड़ी बातें बताऊंगा यार। इमरान तू बड़ी बता दे यार, पाक नबी के आप जला ले हो ना ये इमरान खान, ला इलाज मैं पाक नबी का ये हूँ, मैं पाक नबी का, तो बातें उनकी बातें कर रहे। नहीं नहीं एक मिनट, नहीं वहाँ बता, मुझे बताओ बताओ ना किधर कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, जब भी यहाँ पर अवाम इकट्ठी होती है पीटीए की कॉल पर, पीटीए के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, तुम एज अ पटवारी कह लो या चलो नून लीग के सपोर्टर कह लो, वट एवर एंटी पीटीआई कह लो, तुम यहाँ पर आ जाते हो, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ पर आकर, और क्या तुम्हें डर नहीं लगता भाई? अगर ना डरना तो मालिक की जात से चाहिए, बंदा कुत्ता बिल्ला कौन है किसी को कुछ कहने वाला, वो मालिक की जात ने जो लिखा हुआ है वो होना है होना है, ठीक है ना। अगर छोटी सी बात है, पहले मेरी एक ही बात है, उसके अलावा कोई बात नहीं है, तो हमने सब लीडर देख लिए, अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी का फरमान है, जैसी वाम वैसा हुक्मरान। अगर आप देखें कत्ल हो रहे हैं, जना हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, अगर ये कुछ इतना कुछ हो रहा है, मुझे आप बताएं ये लीडर कैसे अच्छा है? अल्लाह के नबी का फरमान है, जो अल्लाह के नबी ने बोला वो अल्लाह ताला ने बोला है कि जैसी वाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। अगर मुझे बात बताएं, अगर ये वाम ठीक है, अगर ये वाम ठीक है, अगर वाम अपने आप को ठीक कहती है, अगर ये झूठ नहीं बोलती, अगर ये चोरियाँ नहीं करती, अगर डकैतियाँ ये नहीं करती, अगर ये जना नहीं करती, अगर ये नशे नहीं करती, तो फिर हम मान लेते हैं इमरान खान अच्छा। अच्छा, तो आपकी नज़र में कौन सा लीडर अच्छा? नहीं मेरी ना नज़र में अच्छा लीडर जो है ना, मैंने तो दो तीन दफ़ा मैं अभी मेरा पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा वोट डालना है, ठीक है ना। तो पहली दफ़ा मैंने शेर को डाला था, वो भी शहबाज शरीफ के नज़रिए पे, क्योंकि शहबाज शरीफ को ना मैंने ये लाहौर पे जो इंटरचेंज बना था ना, मैंने उनको खुद देखा था बाइक के ऊपर ना, बाइक के ऊपर साफा उसने लिया हुआ, तो बाइक के ऊपर घूम करते ऊपर आ गए। अच्छा एक मिनट उसके बाद ये आपको जब ये पता लगा कि ये डोल ये क्या उसका नाम पेट्रोलिंग वाले चलान वगैरह ये डिफॉल्टर हो गए, वो बाइक के ऊपर आ गए। लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जान को भी दाव पे लगा के अपनी वाम को। अच्छा, यानी कि तुम शहबाज शरीफ को तो लीडर मानते? नहीं, शहबाज शरीफ को मैं लीडर मानता हूँ। उसको मानते हो? मैं क्योंकि बात सुने हाकी बात है, ठीक है ना। अभी ये सारे मुसलमानों को पता ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ठीक है ना, इन इधर तक तो सबको पता है। आगे हम फिका जाफरिया वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह अली वली वसी रसूलल्लाह वा खलीफा तो बिला फर्ज पढ़ते हैं। अगर मेरी बात और सुनी जाए तो, अगर ये ना पहचान कराई जाए हक सच की, अगर ये इतने लीडर आगे इनके लिए खड़े हुए हैं, तो इनको पहले ये बात करनी चाहिए कि तेरह मुहर्रम को ये अभी मनारे पाकिस्तान में जो इन्होंने आपको पता जलसा किया है इमरान खान साहब ने, आपको पता है उधर हमारी माएँ बहनें जाती हैं, आपको पता है उनके साथ उधर क्या हुआ है? नहीं आपको पता है क्या ये 13 जो आई है, 13 अगस्त आई है, 13 अगस्त वो 13 मुहर्रम थी, 13 मुहर्रम थी, 13 अगस्त 13 मुहर्रम थी, पाक नबी की औलाद का गम था। पाक नबी के आप जला ले हो ना ये इमरान खान, ला इलाज मैं पाक नबी का ये हूँ, मैं पाक नबी का, तो बातें उनकी बातें कर रहे। नहीं नहीं एक मिनट, नहीं वहाँ बता, मुझे बताओ बताओ ना किधर कराया, कौन सा कराया, किस कब कराया? टीवी पे, नेशनल चैनल पे, एक मिनट, नेशनल टीवी पे 14 अगस्त वाले दिन शहबाज शरीफ और जो उनके हवारी, हाँ 14 अगस्त को नेशनल टीवी पे, 13 अगस्त 13 को माफ है, 14 को नहीं माफ। चलो यार बात सुनिए, ऐसे ही गलत तरीके, 13 अगस्त को मुहर्रम है तो 14 को नहीं है? नहीं अगर नहीं वो भी है तो वो भी गलत है, वो भी अभी तुमने उसको लीडर माना है? नहीं अगर तुमने उसको लीडर माना है, नहीं मैं फिर मैं कह रहा हूँ अगर वो भी है ना माना है ना उसको लीडर, मैं तो आपको कह रहा हूँ हक की बात नहीं वो है, नहीं वो नहीं है यार, अगर वो कर रहे हैं ना वो गलत है, उन्होंने उसको अपना लीडर माना है ना जी, अभी उसको लीडर माना है ना। नहीं मैं क्या, मेरा दूसरी दफा वोट डाला है, दूसरी दफा ठीक है ना, अभी मेरा दूसरी दफा जाना है, पहली दफा जो मैंने वोट पहली नून लीग को डाले, दूसरा किसको डालना है? अभी दूसरा ना डिसाइड करूंगा कि जो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बात सुने अगर ना ये भाई बहुत बातें कर रहा है भाई जान, मैं अब वोट मरियम नवाज हो तो मरियम नवाज तो हमारी आप ही है, आप ही जान, नहीं आप ही जान,
आप ही पहले आपने कुछ पूछना है तो आराम। अगर अगर आप किसी की तो क्वेश्चन मैंने भी करने हैं। आप किसी की बहन को बुरा कहते हो ना तो अपनी को ना सोचो यार। एक मिनट ठहर जो, बदतमीजी नहीं करनी, गाली नहीं निकालनी। नहीं बोल हम तरीके से बात। हां ये रोला ना रहा डाल के भागने भुगने वाली दलील के बगैर बात करने का मजा नहीं है। फिर मजा तब भी है एक सवाल करना है आप अगर इजाजत दे। वो भाई करने नहीं, सिर्फ मैंने भी अभी क्वेश्चन नहीं मैंने करना है। हां मैं ये सवाल एक मैं वही बताने लगा। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। वो भाई भी आया सिर्फ यार एक सिर्फ एक छोटा सा उधर ही खड़े हो। नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, यार मुसलमान है तो भाई है हमारा। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं इससे, मुझे ये बताओ कि ये नून लीग वाले इतना क्यों जलील हो रहे हैं दुनिया। मुझे ये सिर्फ ये बता दो, मुझे ये भी बताओ पैसे की वजह से यार जलील हो रहे हैं। रही है तीन साल बाद ये इमरान खान क्यों जलील हो रहा है। वो तो इतना जलील यार हुकूमत से उतार दी, हुकूमत से उतार दिया यार। एक दिन में लंदन कौन बात यार, लंदन यार लंदन भगाया किसने, ये बताओ भगाया किसने। चलो उसने भगाया किसने, इमरान खान भाई ने बहुत अच्छे पैसे लिए थे बाहर जाने के, उनको पैसे की मैं सबूत भी कराऊंगा। मैं पैसे की सबूत उसको जरूरत होती है ना होता निकल जाता बॉस में जो बॉस पैसे की उसे करके करो सारे उसको पड़ेगी। मुझे एक जवाब दे दे, ये कोई जवाब यार आपका जो हाल हो गया उसके बाद नहीं है जवाब ही नहीं आएगा। ये क्यों जलील हो रहे हैं, हमजा क्यों भाग गया है, क्या लेने गया है वहाँ पे हमजा, मुझे इतना बता दो यार। भाई ऐसे ही बाजार से उतरा भाग गया, वो इधर ही रुकता ना हमारे लीडर की तरह, वो रुका हुआ है ना। ये इमरान का भाई भाग गया, वो आपका इमरान का इसको बुरा कह रहा है, वो कह रहा है इमरान का इसको बुरा कह रहा है, ये चोर है, इन्होंने इसको चोर कह रहा है, चोर वो यार इमरान का इसको चोर कह रहा है भाई, वो चोर है जिसको अभी सीट पे बिठाया। मैंने तेरा हिसाब लगा लिया, तेरे पास बात का जवाब नहीं है। जवाब दे ना इस बात का जवाब दे, सिर्फ उसका जवाब दे बस। चल हमजा क्यों भाग गया यार, अभी मैं अभी हमजा से ना अभी वो कभी आएगा ना मॉडल टाउन में, हम उसके डेरे पे जाएंगे। ये तो कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, दूसरे ही नहीं देना इतना किसी में यार। अभी अगर तुझे जूतियां ना पड़े हमारा नाम बदल चला ही यार। हमारा लीडर हमें ऐसे मिलता है कैसे, जब भी डाल जब भी बाग में हां जी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जवाब जब भी बाग में कर ले यार। ये भाई ने पूछ रहा मैं ना हमेशा जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है ना भाई, ये भी हमारे भाई हैं, हमारा हक बनता है इतहमुल से इनके साथ बात करना। मुझे ना आप कोई पांच जो है इमरान खान की बुराइयाँ और नवाज शरीफ की अच्छाइयाँ बता दो, मैं आपको पांच इमरान खान की अच्छाइयाँ बता दूँगा। चलो बताएं, क्योंकि बुराई करना ना हमारा फेल नहीं है, हम बुराई नहीं करेंगे, बुराई करना इनका ही काम है, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। मैं अच्छाई बयान करूंगा अपने लीडर की। लड़कियों की बातें कर रहे हो ये हमारे लिए यार, मरियम को बातें कर रहे हो यार आपकी क्या नहीं क्या नहीं अभी वो क्या बात कर रहे हैं कि आप पांच इमरान खान के ऐसे जो उसने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के मुखालिफ किए और इस्लाम के मुखालिफ किए, कोई पांच काम नवाज शरीफ इमरान खान के ऐसे बता दें, और कोई पांच काम आप अपने लीडर के अच्छे के तो बता दें। पहले इमरान पूछ लेते हैं, इमरान खान के पहले ये बता दो भाई आप, मैं बता रहा ना उनकी बड़ी बातें बताऊंगा यार। इमरान तू बड़ी बता दे यार। यार मैं तो ये कहता हूं, मैं खुद ना खुद मैं चर्च पीता हूं, मैं खुद पीता हूँ, मैं लाइफ लाइफ बता रहा हूँ, मैं खुद चर्स पीता हूँ। मैं चर्स पीने वाले की आपको एक छोटी सी खासियत बता देता हूँ कि क्यों इधर खड़ा होगा तो उसको मेरी बात अच्छी लगेगी। जो चर्स पीने वाला बंदा होता है ना, उसका ये जो दिमाग है ना, ये सुन्न हो जाता है, कसम से कुछ नहीं पता लगता, कुछ भी नहीं पता। बाल लंबी कर रहा है यार, एक मिनट मैं ये मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो दिमाग है ना, मैं भाई उसको अपने हाथों से जोड़े इमरान खान भाई को बना के दिए उसके चीखे नहीं मारो यार। हमारे शहर में है, हमारे घर में है, पीने हमें नहीं पता। वो तो वो तेरे तेनू पता है घुमाड़ा, वही जो मुस्लिम लीग नून के जो पटवाड़ियों की टिपिकल हरकत है, वो सवाल पे नहीं आ रही। चर्च पींदा है वो पहले भाई का जो काम करता है छोड़ दे उन्हें यार। जिस बंदे का अच्छा मेरी तो इनको वो जवाब नहीं आ रहा, तुझे दे दे तो बात खत्म करके मैं नहीं दे सकता। बंदा को मार नहीं दे सकता, बंदा खलोता जे ए भी चर्च पींदा जे। एक मिनट पीने नहीं आ रहा, इमरान खान से लेके इमरान खान से लेके दिमाग बुला को इन्होंने सियासत की जो
एक मिनट छोड़ देना इसको मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, नहीं दे रहा। मुझे ना आपने चीखे नहीं मार, एक मिनट यार मजा नहीं आता। मैं खुद मेवाली का हूँ, इमरान खान की इतनी जमीन है जितनी पूरी लाहौर की है, और उसका घर जो है ना वो कितने मुरब्बे पे आपको पता है? कितने मुरब्बे पे? 100 मुरब्बे पे उसका घर है मेवाली का। मेरी जान एक मिनट यार, दीन ही जा रही है, मजा नहीं आता, चीखे नहीं मार। 100 मुरब्बे पहले कमा लिया, जवाब ही नहीं आ रहा। पहले ही नहीं जवाब, 100 मुरब्बे विच घर कितना है? बात को लंबा नहीं खींचना, हाँ या ना में इमरान सबसे पहले इमरान सबसे पहले नंबर पे जब नून लीग थी, मियां नवाज जी साहब जब थे, मैं उसको लाइक नहीं करता, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं उसको लाइक नहीं करता, नहीं मैं उसको लाइक नहीं करता, ठीक है समझ। मैं उसको सुन लिया लाइक, फिर तू की बात भाई, मेरी गल सुन, आगे बात कर, आगे बात कर, दिमाग बंद कर। कितने रुपए की रोटी आ रही थी? रोटी कितने दी? 6 रुपए दी है, और रोटी 6 रुपए। नहीं नहीं नहीं, कितने रुपए की रोटी? बताने दो, कितने दी? 5 रुपए की रोटी थी, ये तो कौन कितने दी सी? कितने की है? 12 रुपए। कौन है गवर्नमेंट किसके पास? वफाक में है, कर दे 5 रुपए की, बाबा छोड़ के 2 रुपए की कर दे। नहीं गवर्नमेंट ने मेरी बात सारी जब पूरी नीचे फॉर्म किसकी है? पूछे पूरी पूरा तकवा नीचे किसका बैठा हुआ है? सीट किसकी नीचे? इमरान खान की बैठी हुई टीम है अभी तक, तो एक दो शबाज जी पाके बैठा यार। पहले नीचे वाले गंदे हो तो ऊपर वाले पहले वाला सही कर लेगा, कितने को ठीक करेगा? एक कितने को ठीक करेगा? 12 रुपए की होगी, अब पहले 5 रुपए की थी। तेल कितने का? देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता आ रहा है ना, ऑथेंटिक जवाब है, जैसे जैसे वक्त गुजरता आ रहा है ना वैसे वैसे चीजें महंगी हो रही है। शुरू से क्या 2010 में रोटी का रेट 5 रुपया था, 2002 में रोटी का रेट 5 रुपया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना वैसे वैसे चीजों के रेट बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में रेट बड़ा था, हम कहते थे उस वक्त ये नहीं थे मानते। मैं एक बात सुन, ये चीज मुझे एग्जैक्टली पता, 90s में भी नून लीग की हुकूमत होगी किसी वक्त में, जाहिर है इवन के 99 में तो थी, जब ये कारगिल का वाकया हुआ तब भी गवर्नमेंट थी। अब उस वक्त फर्ज करो, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि 50 पैसे या 1 रुपए की रोटी थी, तो तू आज भी कहेगा कि जी इमरान खान ने 15 रुपए दी 12 रुपए दी रोटी करती? इमरान नवाज खान के दौर च मैं 1.5 रुपए दी रोटी देखी, मैं 50 पैसे दी रोटी देखी उसकी दौर च। लॉजिक बन रही है, लॉजिक इस बात की बन रही है। रोटी चलो चलो रोटी महंगी, अच्छा चलो डॉलर की बात, डॉलर की बात मेरा। तू अगर एक बात का जवाब दे दे, इमरान खान के दौर में महंगाई थी, 150 रुपए पे पेट्रोल था, डॉलर उस टाइम 170 प्लस पे था, ठीक है? यही नारा लेके आई पूरी पीडीएम, महंगाई करती, लूट गया, खार गया जी, पाड़ दियो अनु अन्य अंज करता, आई नारा लेके। उसके बाद डॉलर की बात कर रहा ना, जैसे ही आए, जैसे ही इन्होंने टेक ओवर किया, इमरान खान को गिराया, डॉलर कहाँ पे चला गया तू बता? यार भाई जब आपकी एक हुकूमत गिरती है ना, जब आपकी एक हुकूमत गिरती है तो वो जो नजायज फायदे वाले होते हैं नजायज फायदा उठाते हैं। आपको ये बैठ लंदन है यार, तुझे लंदन में जाके काट लिया फिर भाई यार, टॉपिक तो हट जाता है। अपना सवाल वहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे कि 110 पे जब डॉलर था तो 170 पे क्यों गया? ये गलत बात है। नहीं आपका सवाल 170 से शुरू है, किसका यार क्वेश्चन ये है कि जो अपना ये क्वेश्चन जो कर रहा है ना उस पे डॉलर पे आया हुआ ना इस वक्त, हम इस वक्त इससे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अब महंगाई हुई है जिसका नारा लेके उसकी गवर्नमेंट, उसका तो जवाब दे। अच्छा जवाब दे ना, जवाब किसी का जवाब? डॉलर कहाँ गया ऊपर? 170 के बाद इसकी गवर्नमेंट ये नारा लगा के ली गई कि जी महंगाई कर दी, लुट गया, बर्बाद कर दिया, 170 के करीब छोड़ के गया ना, 150 पे पेट्रोल छोड़ के गया, उसके बाद अब डॉलर कितने का और पेट्रोल कितने का? मुझे बात बताएं, जब आपकी एक हुकूमत गिर जाती है ना तो जो जिसने पैसे लगाए होते हैं
लगाए थे यार? तो अभी तो हमारे जो इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हुए, कौन बड़े बड़े पैसे लगाए? तो दूसरे दुले हुए बंदे हैं सारे, सारे दूसरे नहीं ना दुले हुए। जैसे अभी मैं गोदाम बना लेता हूँ, मेरे पास कनक पड़ी हुई है 200 टन पड़ी हुई है, ठीक है ना। वो अभी मेरे जो हुकूमत के पहले मेरी 1010 रुपए की थी, अभी ये हुकूमत गिर गई है। मैं वही एक मिनट, वही बात, एक मौका छोटी सी, एक बात मैंने, अगर वही मैं 2000 की मांग कर देता हूँ, वो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो पिछली हुकूमत के साथ मेरा मुतालबा था। मैंने 1010 की भेजनी, 1010 की भेजनी। मुझे एक बात सिर्फ ये बता दे, सिर्फ एक बात, इस्लामाबाद में, एक मिनट, इस्लामाबाद में गोल्डन मैन था, ठीक है, आया हमजा शबाज से उसने साइन करवाया। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद वाले ने उस गरीब को जूतियां मारी हैं, हैं, पटवारी का वो रो पड़ा है बेचारा कि यार उससे पहले मुझे खाना मिलता था, जब से वो उसने मेरी कमीज पे साइन किया मुझे मिला, मेरा जीना ही आराम हो गया। क्यों वो रोया बताओ? चल बता, वो बच्चा होता ना, अब वो बच्चे की तो मैंने तो ये भी सुना था, वो बच्चे की शर्ट भी 2 करोड़ की बेच रही है, मैंने तो 18 करोड़ की, और उसकी शर्ट भी एक बंदे की, ये वर्थ है इतना बंदे की, ये है कि उसने साइन किया उसको छितर मारने लगे, इतना बता दिए, क्या चक्कर उसको बाद में छितर मार रहे हैं लोग, वो बच्चे को मार रहे हैं, मुंह से कह रहा है वो, गोल्डन मैन को, गोल्डन मैन मुंह से बेचारा कह रहा है, रो रहा है वो, कसम खुदा की रो रहा है, क्या यार मेरे से कौन सी गलती है, मुझे सारी स्टोरी उसकी, ये बड़ी बात है यार, इसका जवाब क्या, क्या मतलब है, मतलब ये जो पीछे जो मौजूदा हुकूमत है इसके क्या मतलब आपको बेनिफिट मिले हैं, जिसकी वजह से आप बड़े मुतमईन हैं और बड़े उसमें, यार पहले मुझे ये बता, यार वो जो भाई वो जो तुझे किसने भेजा पहले ये बता, तू जान के पंगे तो नहीं लेने आता, क्योंकि तेरे पास लॉजिक है ही नहीं, ना तेरे पास इलम है, ना तेरे पास जवाब है, तू रोला रप्पा पाने आता, तू किसी एजेंट तो नहीं है, किसी पार्टी नून लीग ने तो नहीं भेजा, सिर्फ के रोला रुला पा फुला मजा मजा खराब, मेरी एक मिनट गल सुन, बोल तो नहीं खराब करना सामने ना, ओ बिल्कुल ना, तो सामने मेरी ड्यूटी गई सामने, अच्छा हुसैन चौक दे विच, वेला होके इधर आ जा, नहीं वेला अजे जाना ड्यूटी ते ताडा ना टाइम थानू दे रहे हैं 2 मिनट वास्ते, अच्छा मेरी गल सुनो, तुझे मंगया नहीं ते मैं फिर भी चला जावांगा, अच्छा मेरी गल सुन, जवाब नहीं यार, बात यार मुझे लगता जवाब किस, तू चर्स पी के रोज आ जाता है और आराम का टाइम जाया कर रहा है, जवाब दे दे, तू अगर लॉजिक की बात करे मैं यहां पे सब पीछे करके आया था कि यार एक नून लीग की भी बात सुने हमें, ये नहीं है कि ये सारे पीटीआई के, चलो जी तू आया है कोई लॉजिक से बात करेगा कोई समझ आएगी, आए बाएं शाएं करी जा रहा है, मुझे लगता है तू कल भी आया हुआ था, कल भी तू पी के आया था, ठीक है, और आज भी तू पी के आया हुआ, बात तुझसे कुछ करो, जवाब तू पूछ लेता, ये भी टूट, अच्छा मैंने इसको समझ तो आए ना यार, उस वक्त तू बोर कर रहा, मुझे कहा था कि तुमने ना शोर नहीं करना, हाँ या ना, जवाब इमरान खान चरस पीता है, हाँ या ना, नशा करता है जी, वो फीम खाता है, फीम दा मैंने उन्होंने देखा, मतलब नशा करता है ना, नहीं मैं चर्च की बात, फिर मुझे ये बता, एक मिनट वो छोड़ दे, हां या ना, हां या ना, अगर मैंने पॉइंट अप करो यार जल्दी खत्म, तो फिर मुझे ये बताए कि गुर्दे और फेफड़े नवाज शरीफ के कैसे खराब हैं, मुझे इस बात का यार, गुर्दे जो होते ना, गुर्दे भाई पटवारी ओते अकल नहीं, जिते अकल ओते पटवारी नहीं, बात ये खत्म करो जी, आज लगा लो, मैं एक नारा लगाना चाहता हूं भाई, मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, चर्च तेरा गुर्दे शबाज बनोगे, हां भाई हमजा बनाओगे, मरियम बनाओगे, इमरान बनाओगे, चलो जी, थैंक यू। आइडियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,